लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक झूठ है, एक स्कैम है, एक इल्यूजन है, एक फॉल्स इंफॉर्मेशन है जो काम नहीं करता है। जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिजल्ट्स नहीं मिलते तो आपके मन में भी यही बात आती होगी, राइट? तो अगर आती है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली झूठ है या झूठ है वो इन्फॉर्मेशन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में फैलाई जाती हैं या बतलाई जाती हैं या सिखाई जाती हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी बात, इट्स गोइंग टू ब्लो योर माइंड। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली झूठ है या एक ऐसा सच है जिसे हम ठीक से समझ नहीं पाए हैं। हाय, मैं हूँ निहारिका चतुर्वेदी और मैं फाउंडर हूँ अट्रैक्ट एकेडमी की, जो लोगों को सिखाता है कि अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कैसे करना है, उसे अट्रैक्ट कैसे करना है। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट हूँ, एक सक्सेस प्रिंसिपल्स ट्रेनर हूँ बाय नन अदर देन जैक कैनफील्ड, और मैं एक ऑथर हूँ। मेरी पहली किताब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे और उसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट वर्क्स थ्रू यू। मेरी दूसरी किताब है सुखिया की दुनिया, जो कि एक यंग ऑडियंस के लिए बुक लिखी है मैंने, जिसके थ्रू मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को एक कहानी के रूप में बच्चों को या यंग ऑडियंस को सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली झूठ है या एक ऐसा सच है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के लिए काम करता है और कुछ लोगों के लिए नहीं। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बायस्ड है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने कुछ गिने चुने लोगों को चूज कर लेता है, फेवरेट वंस को, और फिर डिसाइड कर लेता है कि मैं तो भाई इनके लिए ही काम करूँगा, बाकियों के लिए नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल जिन लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंसिस्टेंटली काम करता है, उन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लिया है। दे हैव अंडरस्टूड द कोर ऑफ द कॉन्सेप्ट। वो समझ गए हैं कि कब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और कब नहीं, क्या करने से वो काम करेगा और क्या करने से नहीं करेगा, कौन से मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, और इन लोगों ने उन मिस इन्फॉर्मेशंस यानी उन फॉल्स इन्फॉर्मेशंस को अपने दिमाग से निकाल दिया है। यही रीज़न है कि उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और जिन लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, वो लोग दरअसल बहुत सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मिसकंसेप्शन, मिथ्स अराउंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने दिमाग में दबाए बैठे हुए हैं, और इस वजह से वो गलत इस्तेमाल करते हैं इस कॉन्सेप्ट का, और फिर वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि हमारे लिए कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी मिस इन्फॉर्मेशन को, इन फॉल्स इन्फॉर्मेशन को एक एक करके आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम सारे मिलके इन सारे मिस इन्फॉर्मेशन, इन सारे मिथ्स को एक एक करके बर्स्ट करने वाले हैं। सबसे पहला झूठ या सबसे पहली मिस इन्फॉर्मेशन जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते होंगे हर जगह से, वो है इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन। आपने कई बार ऐसे मैसेजेस या वीडियोस देखे होंगे लोगों के, जिनमें वो कहते हैं कि 24 घंटे में या 48 आवर्स में आप इतने पैसे मैनिफेस्ट करिए, या 48 आवर्स में आपका एक्स आपको कॉल करेगा अगर आप ये सेव कर लेते हैं, 48 आवर्स में या 24 आवर्स में आप 10,000 रुपये मैनिफेस्ट करिए, राइट? दिस काइंड ऑफ वीडियोस, दिस काइंड ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन ऑन इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट लाइज, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मिस इन्फॉर्मेशन, द मिथ अराउंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड ऐसा क्यों है वो बताऊंगी अभी आपको। सी, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली है क्या। उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हैं तो आप ये जानते होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपकी फ्रीक्वेंसी की वजह से, जो डिसाइड होती है आपके थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से, राइट? तो अगर आप थॉट अच्छे थॉट्स हमेशा नर्चर करते रहते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव इमोशंस फील करते हैं, तो इसका मतलब आप हाई वाइब्रेशन में हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट फ्रीक्वेंसी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। नाउ जब कोई चीज़ आपको 24 घंटे के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी फीलिंग्स कैसी होंगी वो सोचने की कोशिश करिए। आप उस वक्त ऑब्वियसली एंग्शियस मोड में होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि 24 घंटे में मेरे पास वो आएगा कि नहीं, मेरे पास पैसे आएंगे कि नहीं, मेरा एक्स का कॉल आएगा कि नहीं,
राइट नाउ यू आर इन अ स्टेट विच इज़ नॉट रिसीविंग मोड, यू आर इन एंशियस स्टेट, यू आर ऑल्सो वरिंग, यू आर ऑल्सो थिंकिंग, यू आर ओवर थिंकिंग एंड यू आर वेटिंग फॉर योर मैनिफेस्टेशन. अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक डेडलाइन दे दिया है कि अगले 24 घंटे में मुझे कुछ ला कर दो, तो इसका मतलब आप उसका वेट भी कर रहे हैं, राइट? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे केसेस में काम नहीं करता बिकॉज यू आर नॉट एट ऑल इन द रिसीविंग मोड, राइट? इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि नहीं होता है. इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन तब होता है जब सालों की मेहनत करने के बाद, सालों तक अपने ऊपर काम करने के बाद आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर चढ़ गए हैं, आप इस ऐसी फ्रीक्वेंसी को आपने पा लिया है कि हर चीज़ एफर्टलेसली इंस्टेंटली आपके पास आ रही है. बट शुरुआती दौर में जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट समथिंग दैट वुड हैपन विथ यू, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लाइज. दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा झूठ जो बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं और बताते भी हैं और सिखाते भी हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सम काइंड ऑफ मैजिक. लोगों को ये लगने लगा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादुई जिन्न की तरह चिराग में से निकलेगा और आपकी विशेस ग्रांट करेगा और आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. एक बात समझ लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ मैजिकल एंड साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट. लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है बट मैजिकली है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को साइंस ने प्रूव किया हुआ है. इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट गाइज दैट आप अपनी हाई फ्रीक्वेंसी के द्वारा ऐसी चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट करते हो जो उससे मैच होती है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है जो कहता है कि आपके थॉट्स, बिलीव्स, फीलिंग्स आपकी रियलिटी को शेप करते हैं. आपकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है, आपकी फ्रीक्वेंसी जो आप एमिट आउट कर रहे हैं वो डिसाइड करती है कि आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में. लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है जो आकर आपकी विशेस ग्रांट करेगा, कोई जिनी नहीं है जो आपकी विशेस ग्रांट करेगा. लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके द्वारा ही काम करता है. आपके थॉट्स, बिलीव्स और फीलिंग्स जिसकी मैंने अभी अभी बात की, उनके द्वारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक सेपरेट एंटिटी मत समझिए. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग थ्रू यू, थ्रू योर थॉट्स, बिलीव्स एंड फीलिंग्स. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए आपको भी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी. रिमेंबर वन थिंग दैट अट्रैक्शन हैज़ गॉट द वर्ड एक्शन इन इट. इसका मतलब ये कि आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स. सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ये सब चीज़ें करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी विशेज नहीं पूरी कर देगा. आपको फाइनल स्टेप यानी कि एक्शन लेना पड़ेगा फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मूव माउंटेन्स और फॉर द यूनिवर्स टू मूव माउंटेन्स फॉर यू. अगर आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स भी ले रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट यू नीड टू टेक इंस्पायर्ड एक्शन फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कोई मैजिक मत समझिए जिसमें वो सिर्फ आपको विशेस ग्रांट करता हो और आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है. इंस्पायर्ड एक्शन इज़ द लास्ट स्टेप, द लास्ट डॉट यू कनेक्ट फॉर योर मैनिफेस्टेशंस टू हैपन. और जो भी एक्शन आप ले रहे हैं, अगर छोटे से छोटा एक्शन भी आप ले रहे हैं, तो आप खुद को ऐसी जगह पाएंगे जहां यू आर सराउंडेड बाय द राइट पीपल, राइट सिचुएशन, राइट रिसोर्सेज, राइट आइडियाज, बट यू नीड टू टेक एक्शन. आपका एक्शन इज लाइक अ हिंट, इट्स लाइक अ क्लू फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू टेक ओवर एंड डिसाइड फॉर यू वॉट इज द वे आउट फॉर यू टू रीच टू योर गोल. वॉट्स द डोर दैट इज गोइंग टू ओपन फॉर यू टू रीच एंड मैनिफेस्ट योर गोल्स. सो रिमेंबर वन थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम करने के लिए आपका काम करना भी ज़रूरी है, आपका इंस्पायर्ड एक्शन भी ज़रूरी है. तीसरा झूठ जो अक्सर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप हर चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं. यू कैन अट्रैक्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड All your thoughts can manifest into reality. आपने ये सुना भी होगा, right? Thoughts become things. But let me ask you something. आपके दिमाग में कुछ 50-60,000 thoughts continuously दौड़ते रहते हैं, right? आपको क्या लगता है कि ये सारे thoughts आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकते हैं या मैनिफेस्ट हो जाते हैं? नहीं. हर एक thought, हर एक सपना मैनिफेस्ट नहीं होगा
अगर आप उससे अलाइंड नहीं है, दैट्स द कैच ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप हर चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर सकते. आप वो चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, जिनसे आप अलाइंड हैं, वाइब्रेशनली अलाइंड हैं. एंड दैट्स ब्यूटिफुल, राइट? थैंक गॉड फॉर दैट, कि हमारे हर एक थॉट मैनिफेस्ट नहीं होते हमारे रियलिटी में. हमारे थॉट्स अकेले मैनिफेस्ट नहीं होंगे हमारी रियलिटी में. ये बात भी आप नोटिस कर लीजिए. आपके थॉट्स को मैनिफेस्ट होने के लिए उसको बैकअप चाहिए आपकी बिलीव्स का, पॉजिटिव बिलीव्स और पॉजिटिव फीलिंग्स का. फॉर एग्जांपल, आपको अपना एक ड्रीम हाउस अट्रैक्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है अपनी रियलिटी में. आप उसे दिन रात सोचते रहते हैं, आप इस घर के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, आपके पास आइडियाज़ हैं, आपको पता है कि आपको कैसे सजाना है इस घर को, कहाँ चाहिए आपको इस घर को. एवरीथिंग यू आर थिंकिंग अबाउट इट कंटिन्यूसली एंड कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली, राइट? बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट दिस ड्रीम हाउस. व्हाट इज़ द मैटर विद दिस थॉट? ये थॉट क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो पा रहा है? द रीज़न इज maybe your beliefs around this thought is negative. Your beliefs, यानी कि हो सकता है अगर आपके negative beliefs आपको बार बार ये याद दिलाते हैं कि आप इस dream house को afford नहीं कर सकते, या आपको बार बार ये याद दिलाया जाता है कि इस ड्रीम हाउस को अट्रैक्ट करने के लिए आप नहीं बने, यू डू नॉट डिज़र्व दिस ड्रीम हाउस ऑफ योर्स, यू डू नॉट डिज़र्व, यू आर नॉट वर्दी ऑफ दिस हाउस. सो दिस नेगेटिव बिलीफ, योर नेगेटिव बिलीफ इज नॉट अलाइन विद द थॉट ऑफ योर ड्रीम हाउस, राइट? सो ये थॉट ऑब्वियसली मैनिफेस्ट नहीं होने वाला अब जब तक आप अपनी बिलीव्स को चेंज नहीं करते. सिमिलरली, जब आपकी बिलीव्स नेगेटिव होती हैं तो आप जितनी बार भी अपने ड्रीम हाउस के बारे में सोचेंगे आपको फीलिंग्स नेगेटिव ही आएंगी. आपको दुख होगा, अंदर से आपको लगेगा, आपके मन में एक वो आएगा कि अभी तक मेरा ड्रीम हाउस मेरी लाइफ में नहीं है और पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं उसे अट्रैक्ट, राइट? सो योर फीलिंग्स आर ऑल्सो नेगेटिव. योर बिलीव्स एंड फीलिंग्स आर नॉट अलाइंड विथ योर थॉट्स. दैट इज़ वाई दिस थॉट इज़ नॉट गोइंग टू मैनिफेस्ट. सो येस, यू कैनॉट अट्रैक्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ अनलेस यू आर aligned with it. Your thoughts, beliefs, feelings, everything, these three things have to be aligned. क्योंकि ये तीन चीज़ें जब aligned होगी आपकी dreams से, तभी आप inspired action भी लोगे. Yes, I forgot to tell you about inspired action. For this dream house also, अगर आपकी thoughts, beliefs, feelings aligned हैं और बार बार आपको universe कोई ना कोई opportunity भेज रहा है for you to manifest this dream house, you are not taking action, then also how do you think this dream house will be manifested in your life? So yes, your thoughts, beliefs, feelings, that is TBF, have to be aligned together for you to take inspired action for this particular dream house. That is how you manifest, and that is the beauty of law of attraction, guys. That is the beauty, because thank God कि हम अपने हर एक thought को manifest नहीं कर पाते, सिर्फ उन thoughts को manifest कर पाते हैं जिनके पीछे हमारी positive beliefs और feelings जुड़ी होती हैं, जिनके साथ हमारी positive beliefs and feelings associated रहती हैं. एक और बहुत बड़ा झूठ है जो बहुत ज़्यादा बोला जाता है law of attraction के बारे में, कि आप अपने एक्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं. एक्स मतलब योर एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड. यू कैन अट्रैक्ट देम बैक इन योर लाइफ यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? दिस इज नॉट राइट. यू कैन नॉट अट्रैक्ट योर एक्स बैक बिकॉज ऑफ फ्री विल. द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क अगेंस्ट समवंस फ्री विल. तो आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड को या एक्स गर्लफ्रेंड को दोबारा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, unless that person also wants the same. Unless that person wants to come back in your life, there is no point also. And why do you want to attract your ex back if he or she doesn't want to come back, right? So frequency aligned honi chahiye, tabhi aap kisi cheez ko attract karoge life mein, right? So no, you cannot attract your ex back. So har baar jab aapko koi aisi information deta hai ki 24 ghante mein aap apne ex ka call paiye, your ex will call you back, or your ex-boyfriend will call you back or girlfriend will call you back, understand this is not possible. This is not possible, guys, because law of attraction will not act against free will. Again, I'm emphasizing the fact,
आपका एक्स या जो भी पर्सन आपको अट्रैक्ट करना है वो तभी आपकी लाइफ में आएगा जब आपकी फ्रीक्वेंसीज अलाइंड होगी, राइट राइट. सो दैट इज द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू रेज, दैट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एन एक्टिंग अगेंस्ट समवन्स फ्री विल, एंड थैंक गॉड फॉर दैट, अदरवाइज कोई और आपको भी अट्रैक्ट कर लेता विदाउट योर कंसेंट. सो दैट इज गुड अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यू शुड बी थैंकफुल अबाउट इट. एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप सिर्फ वही चीज़ें नहीं अट्रैक्ट करते जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, बट वो चीज़ें भी अट्रैक्ट करते हैं जो आप नहीं चाहते हैं और बार बार एफर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल गोल अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट आप बार बार एफर्म ये कर रहे हैं कि आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टे पुअर, मैं गरीबी में दिन नहीं बिताना चाहता हूँ, मैं गरीब नहीं रहना चाहता हूँ, मैं गरीबी में अपनी लाइफ नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ. सो वॉट यू आर सेइंग इज आप गरीबी में ही रहना चाहते हैं. यूनिवर्स को ना मतलब नहीं समझ में आता, यूनिवर्स डजंट अंडरस्टैंड नेगेशन और नो, वॉट एवर यू आर फोकसिंग ऑन इज वॉट यूनिवर्स इज लिसनिंग टू. सो इफ यू आर सेइंग दैट आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टे पुअर, मैं गरीबी में नहीं रहना चाहता, तो यूनिवर्स को सुनाई पड़ रहा है कि आप गरीबी में ही रहना चाहते. सो फॉर यू टू चेंज योर कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स, आपको अपना स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा, राइट. आपको इंस्टेड ऑफ टेलिंग यूनिवर्स व्हाट यू डू नॉट वांट, यू हैव टू टेल देम व्हाट यू एक्चुअली वांट. इंस्टेड ऑफ टेलिंग द यूनिवर्स कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, आप बताइए कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे कितना पैसा चाहिए, सब कुछ बताइए. बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर फाइनेंशियल गोल दैट यू वांट टू अट्रैक्ट फ्रॉम विद फ्रॉम यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सिमिलरली, सपोज आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, राइट, और रास्ते में बहुत ट्रैफिक है और बार बार अफर्म कर रहे हैं मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, तो यूनिवर्स क्या सुन रहा है? आप लेट होना चाहते हैं, दुनिया भर की ट्रैफिक आ जाएगी आपका रास्ता रोकने के लिए अगर आप ये अफर्म कर रहे हैं कि आप लेट नहीं होना चाहते. सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग द यूनिवर्स मैं लेट नहीं होना चाहता, टेल द यूनिवर्स कि मैं टाइम पर पहुंचना चाहता हूँ. एग्जैक्टली क्या ऑर्डर है आपका वो बताइए ना यूनिवर्स को. जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप वेटर को एग्जैक्टली वही बताते हो, राइट, जो आपको चाहिए. आप उसे ये तो नहीं बताते कि मुझे चाइनीज़ नहीं चाहिए, मुझे मंचूरियन नहीं चाहिए, मुझे पिज्ज़ा नहीं चाहिए. आप उसे डायरेक्टली बताते हो कि मुझे छोले भटूरे चाहिए. सिमिलरली, आपको यूनिवर्स को भी एग्जैक्ट वही करना है, वही चीज़ बतानी है जो आपको चाहिए, इंस्टेड ऑफ टेलिंग द यूनिवर्स व्हाट यू डोंट वांट, बिकॉज यू डू नॉट अट्रैक्ट नॉट ओनली द थिंग्स दैट यू वांट बट आल्सो द थिंग्स दैट यू डोंट वांट विथ ऑल द यू नो फोकस, राइट. सो इसीलिए आपको अपने यूनिवर्स से बात करने के तरीके को, कम्युनिकेशन को चेंज करना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ टेलिंग एवरीथिंग दैट यू डू नॉट वांट, एग्जैक्टली बताओ कि उसे क्या चाहिए आपको, उससे क्या चाहिए आपको जो आपकी लाइफ में खुशी ला के देगा. तो ये थे कुछ कॉमन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन अराउंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अगर आप इनमें से किसी भी एक में बिलीव कर रहे होंगे तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि आप एग्जैक्टली क्या गलत कर रहे हैं. क्या आपका यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका सही है, या आप इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, या आप सोचते हैं कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स विल ग्रांट यू योर विशेस. तो आपको एग्जैक्टली समझना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है. और समझने के लिए यू कैन वॉच माई वीडियोज़ और अदर वीडियोज़ टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. और अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने की चाह है तो मेरे कोर्सेज और सेशंस के बारे में जानने के लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट करिए www.niharikachaturvedi.com. बिफोर आई एंड, मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, और वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई सेपरेट पावर नहीं है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका अपना पावर है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स थ्रू यू, इट वर्क्स फॉर यू एंड इट वर्क्स थ्रू यू. सो इस पावर को अपनी पावर समझ के यूज़ करिए, और उसकी वजह से आपको ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे, आपका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, और आपकी लाइफ इतनी एफर्टलेस हो जाएगी कि पीपल विल लुक अप टू यू एंड आस्क यू व्हाट इज़ इट दैट यू आर डूइंग डिफरेंटली. ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा.
वीडियो अगर पसंद आई तो शेयर करिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मैं हूँ निहारिका चतुर्वेदी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बहुत ही जल्द देकर आऊँगी और भी अच्छी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अबाउट मैनिफेस्टेशन, अबाउट मैनिफेस्टिंग सक्सेस, मनी, फाइनेंशियल अबंडेंस और जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, एनीथिंग दैट यू वॉन्ट। रिमेंबर वन थिंग, यू कैन अट्रैक्ट एवरीथिंग यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन इफ यू आर अलाइंड विद इट. And I'll help you align with all the things that you want to have.